दोस्तों, खजूर के चमत्कारी फ़ायदों के बारे में तो आपने भी सुना होगा और अक्सर लोगों ने खजूर को यूज़ भी किया होगा। बहुत से ऐसे हैं कि जो अपने खून की कमी को दूर करने के लिए यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपना वज़न बढ़ाने के लिए खजूर को यूज़ करते हैं। और दोस्तों, बहुत से लोगों ने खजूर को यूज़ किया है अपने शरीर की एनर्जी बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए। लेकिन दोस्तों, खजूर के इस्तेमाल का सही तरीका क्या है ये अक्सर नहीं जानते। जब कहीं पर किसी से सुन लेते हैं खजूर से यह फ़ायदा होगा, वज़न अगर बढ़ाना है तो खजूर खाएँ, खून की कमी को दूर करना है तो खजूर खाएँ, यानी दोस्तों इस तरीके से सब लोग बताते हैं और खजूर यूज़ करना चालू कर देते हैं। लेकिन सही माने में कैसे उसको यूज़ किया जाएगा होगा इसके बारे में अक्सर नहीं जानते। तो दोस्तों, आज मैं इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने वाला हूँ कि किस बीमारी में किस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे, फिर इस तरीके से इस्तेमाल करने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो दोस्तों, मैं हूँ हकीम नदीम और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल हकीम नदीम। दोस्तों, आज की जो जानकारी मैं देने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अहम है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो है वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि बहुत से लोग जल्दीबाजी में अपने काम की चीज़ निकालते हैं कि मुझे थोड़ा सा समझ में आ जाए। इससे दोस्तों नुकसान होता है कि वो पूरी बात नहीं समझ पाते और वो सही से फिर अपना इलाज नहीं कर पाते और बाद में ये कहते हैं कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। दोस्तों, फ़ायदा ज़रूर होता है, लेकिन बस फ़र्क ये है कि उसका इस्तेमाल का तरीका आ जाना चाहिए और उसको खाने के दौरान किन चीज़ों से बचना है, किन से नहीं बचना, ये जान लेना ज़रूरी होता है। और कितनी मिकदार में खाने से फ़ायदा होता है और कितनी मिकदार में खाने से नुकसान होता है, इन चीज़ों को भी जानना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, अगर आप में से कोई यूज़ करता है इसको खून की कमी के लिए, जैसे कि फीमेल हैं या मेल हैं, जब उनको डॉक्टर लोग बताते हैं या घरों के अंदर जो बताते हैं कि खजूर का इस्तेमाल करें खून की कमी दूर हो जाएगी, तो इस कमी को दूर करने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका और बेस्ट तरीका यह है कि आप इसको दोपहर में खाने के बाद और शाम को खाने के बाद इस्तेमाल करें। यानी कि अगर आपने खाना खा लिया, खाने के 10 मिनट के बाद में आप 1 या 2 खजूर ले सकते हैं, और इसके अलावा शाम को आपने जब खाना खा लिया तो उसके बाद भी 1 या 2 खजूर आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से लेने से आपकी खून की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, अगर आप लेना चाहते हैं इसको एनर्जी बढ़ाने के लिए, शरीर के अंदर ताकत पैदा करने के लिए, कि जिससे कि हमारे शरीर में ताकत आ जाए, हमारी मर्दाना ताकत जो है, जो कमज़ोर है, वो सही हो जाए, तो इसको बढ़ाने के लिए इसका जो सही इस तरीका है इस्तेमाल का वो ये है कि सुबह में निहारमुंह 2 से 3 खजूर आपको लेनी है दूध के साथ में 1 गिलास। बस ये रोज़ाना एक ही टाइम लेनी है। बहुत से ऐसे करते हैं कि सुबह में भी ले लेते हैं और शाम को भी ले लेते हैं और ज़्यादा मिकदार में ले लेते हैं। तो इसका आसान तरीका जो मैंने बताया वो ये है कि 2 से 3 खजूरें सुबह में 1 गिलास दूध से आपको लेनी है। जो लोग अपने वज़न बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा जो है वज़न बढ़ जाए, हमारे मसल्स हैं वो बढ़ने लगे, ग्रोथ होने लगे, तो इसको यूज़ करने के लिए एक इसका अलग तरीका है जो आपको बहुत तवज्जो से सुनना होगा और वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो दोस्तों, वो तरीका क्या है आप नोट कर लीजिए। आपको ये लेना है सतावर और साथ में लेना है आपको सिंगाड़ा, यानी कि आपको इसको 20-20 ग्राम की मिकदार में ले लेना है और इसका पाउडर बना करके आपको रख लेना है। 2 चीज़ हो गई। और आपको साथ में लेना है इसके अंदर सफ़ेद तिल। दोस्तों, ये सफ़ेद तिल आपको लेना है और इसके साथ में आपको लेनी है 3 खजूरें और आपको लेना है 1 केला और 1 गिलास दूध। ये 4-5 आइटम आपको लेने हैं। अब इसको बनाने का तरीका क्या होगा? तो दोस्तों, बनाने का तरीका इसका यह है कि आप सतावर को, सिंगाड़ों को तो पीस करके आप रखें, ये आपके ज़्यादा मिकदार में पीस करके रख लें तो ये आपके रोज़ाना काम आता रहेगा। लेकिन इसके अलावा आप रोज़ाना जब इसको बनाएंगे, ताज़ा बनाएंगे, और तो बनाने का तरीका इसका ये होगा दोस्तों कि 1 गिलास आपको दूध लेना है, आपको 1 केला लेना है, आप उसको डाल दें केले को दूध के अंदर ग्राइंडर के अंदर, और साथ में 1 चम्मच आपको सफ़ेद तिल डालने हैं और साथ में इसमें 3 खजूर आपको ऐड करनी है, और जो आपने सतावर और सिंगाड़े का जो पाउडर बना करके रखा है उसमें से 1 चम्मच आपको इसके अंदर डालना है और इसको ग्राइंडर करना है। जब ये जूस बन जाएगा और तो आपको सुबह में निहारमुंह नाश्ते से 1 घंटा पहले इसका सेवन करना है। दोस्तों, वज़न बढ़ाने का सबसे बेहतरीन नुस्खा है, बेस्ट नुस्खा है। इस तरीके से अगर आप अगर लोगे तो फ़ायदा होगा, वरना अगर आप वज़न बढ़ाने के लिए किसी भी टाइम खजूर खा लोगे तो ये आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरीके से हमें यूज़ करना है, लेकिन नुकसान भी जानना ज़रूरी है। और नुकसान क्या है, यानी कि अगर आप इन चीज़ों को मात्रा से ज़्यादा लेंगे, यानी कि रोज़ाना या तो ज़्यादा लेंगे या काफ़ी दिन लो लेंगे, तो इसके जो है नुकसान पैदा होने चालू हो जाते हैं। अब दोस्तों, नुकसान क्या होगा? नुकसान ये होगा कि एक तो ये गर्म है, इसका गर्म खुश्क मिजाज है, तो ये गर्मी बॉडी के अंदर पैदा करेगा। तो जो गर्म मिजाज वाले हैं वो कम मिकदार में लें या दूध के साथ में उसको यूज़ करेंगे, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक नहीं इस्तेमाल करेंगे। यानी कि अगर किसी को खून की कमी के कारण कोई यूज़ कर रहा है इसको,
तो 15 दिन 20 दिन तक ज़्यादा यूज़ करें 10 दिन तक, उसके बाद अपना जांच करा लें। अगर खून नॉर्मल हो जाता है, HB की मात्रा, हीमोग्लोबिन की मात्रा नॉर्मल आ जाती है, तो फिर उसको खाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से काफ़ी टाइम लोग खाते रहते हैं दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो लोग एनर्जी के लिए खा रहे हैं तो वो भी ज़्यादा मिकदार में ना खाएँ और ज़्यादा टाइम समय तक ना खाएँ, क्योंकि ये जब हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाएगा तो जब ये ज़्यादा कम होता है तब भी शरीर में नुकसान होता है, और जब हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाए तो तब भी जो है हमारे शरीर को नुकसान होता है। तो दोस्तों इस तरीके से मेरा जो बताने का मकसद है वो ये है कि आप नॉर्मल मिकदार में लेंगे और कम मात्रा में लेंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप लेंगे तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। तो दोस्तों यह है हमारी जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो दोस्तों इस तरह की नॉलेज और इस तरह की ट्रीटमेंट में रोज़ाना लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।